गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था कि कोई भी हमारी जिंदगी का पहलू ऐसा नहीं है जो केमिस्ट्री ने छुआ नहीं है। आज हम नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। यू नो व्हाट इज मैटर? आप लोगों ने 9th क्लास में भी ये टॉपिक पढ़ा है। मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग जो उसमें मास हो और जो कोई स्पेस या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, दैट इज नोन एज मैटर। सो हमारे चारों तरफ हमें जो कुछ भी दिखाई देता है या हम महसूस करते हैं, जैसे एयर को हम महसूस करते हैं, देख तो सकते नहीं, सो दैट ऑल थिंग्स आर मैटर। सो मैटर में वो माइक्रोस्कोपिक आयंस और एटम्स भी आएंगे और मैक्रोस्कोपिक थिंग्स भी आएंगे, दैट इज मैटर। सीधी सी डेफिनेशन है, एनीथिंग विच हैज मास, वॉट एवर बी द मास, चाहे वो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स में ही क्यों ना हो, बहुत कम ही क्यों ना हो या बहुत ज्यादा ही क्यों ना हो, दैट कंस्टिट्यूट्स मैटर। इन योर 9th क्लास ऑल्सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड वन थिंग, लव, हेट, दिस इज नॉट मैटर। यस, दीज आर जस्ट फीलिंग्स, यू फील दीज, दिस इज नॉट मैटर बेसिकली। एंड वी कैन डिवाइड मैटर इन टू टू कैटेगरीज, हम दो कैटेगरी के बेसिस पर मैटर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूँ तो हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और अगर मैं केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करूँ तो वहाँ हम मैटर को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, प्योर सब्सटेंसेज एंड मिक्सचर्स। तो आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंपोजिशन और क्लासिफिकेशन, वी क्लासिफाई मैटर इन टू थ्री कैटेगरीज, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। नाउ व्हाट आर सॉलिड्स, व्हाट आर लिक्विड्स एंड व्हाट आर गैसेस? सॉलिड्स आर दोज और दैट स्टेट ऑफ मैटर वेयर द मास, द वॉल्यूम एंड द शेप, ऑल दीज थ्री आर डेफिनेट। वो स्टेट मैटर की जिसका मास डेफिनेट हो, जिसका शेप डेफिनेट हो, जिसका वॉल्यूम डेफिनेट हो, दैट इज नोन एज सॉलिड। वॉट इज अ लिक्विड? अ लिक्विड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट मास एंड डेफिनेट वॉल्यूम बट दैट डज नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप। वॉट एवर बी द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच यू कीप दैट, that will take the shape of that particular container. आप bottle में रखिए, bottle का shape, बड़े से pan में रखिए, pan का shape, वही shape ले लेगा, लेकिन उसका volume और उसका mass definite होता है। And the third type, that is gas, it is that state of matter which do not have fixed shape, do not have fixed volume, do not have fixed mass. जिस भी रूम में हम बैठे हैं, रूम का शेप है, रूम ही का वॉल्यूम आ गया, रूम ही, उसी में हमें फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना मास आएगा। तो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है। ये मैंने सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन आपको बताई है कि सॉलिड ये होंगे, लिक्विड ये होंगे, गैस ये होंगे। अपार्ट दिस वी स्टडी डिफरेंट काइंड्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फ्लूडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, काइनेटिक एनर्जी, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो अगर मैं सॉलिड्स को लेकर करूँ, सॉलिड्स की बात करूँ, सॉलिड्स डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट मास, तीन प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी मीन्स किसी चीज को अगर आप दबा रहे हैं तो क्या वो दब रही है, कंप्रेस हो रही है। जैसे कि हम फॉर्म अगर लें, जो हमारे मैट्रेसेस भी बेसिकली बने होते हैं, हम उनको फट जाते हैं तो वो दब जाते हैं, उनकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है, इवन दैट इट इज सॉलिड। रीजन इज दैट हमने कहा वैसे तो सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं होते। आप किसी टेबल को, किसी चेयर को कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए, यू कैन नॉट, कंप्रेसिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है सॉलिड्स में, लेकिन फॉर्म में कंप्रेसिबिलिटी होती है बिकॉज उसमें होल्स होते हैं, जिस वजह से उसमें एयर फिल्ड होती है, वो अपनी शेप को रिटेन रखता है, लेकिन जैसे ही उसकी एयर को बाहर निकाला जाता है, उसको प्रेस किया जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है।
तो सॉलिड्स में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं, वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होने की वजह से उनमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है। उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, वो इतना टाइटली पैक्ड है कि उनमें रिदमिक मूवमेंट्स होता है, वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, टू एंड फ्रो कह लीजिए, अपनी मेन पोजिशन के इधर उधर मोशन करते हैं इन अ रिदमिक वे। दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज पॉसिबल इन सॉलिड्स, फ्री मूवमेंट नहीं होता, इनकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। इनका जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, इंटर पार्टिकल मतलब दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस, दैट इज वेरी लेस, बहुत कम होता है, जिस वजह से इनकी जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज हैं, इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा फोर्सेज होने की वजह से ये मूव नहीं कर पाते हैं, दैट इज द रीजन। नेक्स्ट इज, मैं बात करूं अगर सॉलिड्स में फ्लूडिटी की, जैसे कि लिक्विड है या गैस है, वो फ्लो करते हैं। आपने एक रूम में परफ्यूम लगाया, खुशबू दूसरे रूम तक चली जाती है, सो फ्लूडिटी है, फ्लो कर गए। लिक्विड्स भी एक जगह गिर जाता है तो धीरे धीरे फ्लो करता हुआ सरफेस पर आगे चला जाता है, बट सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता। जब तक आप उनको खुद मूव नहीं करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, दे के नॉट मूव, तो फ्लूडिटी की जो एक प्रॉपर्टी है वो सॉलिड्स एग्जिबिट नहीं करते हैं। तो दिस इज बेसिकली सॉलिड्स, ये हमारे सॉलिड्स हैं। अपार्ट दिस, अगर मैं लिक्विड और गैसेस की बात करूं, तो लिक्विड्स में मैंने स्टार्टिंग का पॉइंट आपको बताया, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड दे हैव डेफिनेट मास। फ्लूडिटी की बात करें तो यस, लिक्विड्स कैन फ्लो, बिल्कुल फ्लो करते हैं। अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, अगेन लिक्विड्स कंप्रेसिबल नहीं होते, क्योंकि लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं दो, दे आर फ्री टू मूव, जितना उनका वॉल्यूम है वो उसमें फ्री करते हैं मूव करने के लिए। लेकिन पार्टिकल्स को जब आप कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो कंप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, दैट इज द रीज़न। हैपहज़ार्ड वे में ठीक है, वो अरेंज है, लेकिन बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनका इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, जो दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है, दैट इज़ वेरी लेस। अगेन उसमें भी वो भी कम होता है, लेकिन उनकी मूवमेंट के लिए वो फ्री होते हैं, इतना डिफरेंस आता है सॉलिड से लिक्विड में। काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो सॉलिड्स के कंपैरिजन में उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन गैसेस के कंपैरिजन में उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। इंटर पार्टिकल फोर्सेस की अगर मैं बात करूँ तो सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम होती हैं, लेकिन गैसेस के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा होती है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन लिक्विड्स एंड द लास्ट इज गैसेस। गैसेस जो हैं हमारी, उनमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज, जिस वजह से गैसेस की जो पार्टिकल्स हैं वो आपका होल, जो आपका कंटेनर है, उसको कवर करते हैं। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उनकी जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज हैं, उनका जो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज हैं, वो बहुत वीक है, इसलिए वो एक चारों तरफ मूव कर पाते हैं। फ्लूडिटी सबसे ज़्यादा गैसेस में है, गैसेस को तो मिक्स होने में टाइम भी नहीं लगता। सो इफ वी विल सी दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, तो वी कैन फाइंड आउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इफ यू विल थिंक अबाउट इट, व्हाट यू विल फाउंड, आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू विल फाइंड, यू विल डेफिनेटली गेट कि गैस को, एवरीथिंग इज गैस इन दिस यूनिवर्स, उसको जब हम लिक्विड स्टेट में ले आए हैं, थोड़ा प्रेशर बढ़ाया है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, एक्स्ट्रा लगा दिया है तो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है। बट बेसिकली अगर हम देखें तो ना, सॉलिड और लिक्विड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एवरीथिंग इज गैस इन दिस यूनिवर्स। दिस इज फॉर टुडे।